ऊपर से वो मरियम नानी हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी गई है। वो मेरे मुकाबले में, मेरे गांव में काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ सकती मेरे सामने। ये जो कहते थे कि जलसा नहीं हो रहा, अब इनके बाप में अगर हिम्मत है, जुर्रत है तो रोक कर दिखाएं, ये जलसा हो रहा है। देखे अवाम, ये अपने आप को समझते क्या है? इनके बाप का मुल्क है, ये हम सबका मुल्क है। ये लोग अपने आप को समझते क्या है? ये सबका मुल्क है हमारा। ये समझते हैं कि हमारा, हमारी जगीर है, लूटने के लिए हमारे मुल्क को आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारी सर है, जहाँ तक तहद निगाह जहाँ तक जा रही है वहाँ तक लोग ही लोग हैं। और ये कोई लाहौर शहर के व्यूज नहीं है, ये कसूर के व्यूज नहीं है, ये खुटिया के एक देहात के व्यूज हैं। आप देख ले कि लोगों ने बिलाखर खौफ के बुत तोड़ दिए हैं और लोग बाहर निकल आए हैं। शेर अफजल मुरव्वत ने सही कहा था कि लाहौर को जगाने के लिए, पंजाब को जगाने के लिए शेर अफजल मुरव्वत को ही आना पड़ेगा। और वो आया और उसने वाकई जो कहा वो करके दिखा दिया, पूरे पंजाब को जगा दिया है उसने। जी क्या कहना चाहेंगे? जी मैं मोहम्मद तारिक मेरा नाम है। मैं ये कहना चाहूँगा कि शेर अफजल खान जिंदाबाद। मैं खुद एक 9 मई के वाक़े में 1.5 महीना कसूर जेल काट चुका हूँ, खान साहब के पीछे, इस मुल्क के पीछे। और मैं ये कहूँगा कि इस NA 132 के हल्के की आवाम ने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं। हम खुद पुलिस से बहुत डरते थे। 1.5 महीना मैंने जेल काटी कसूर जेल में, ज़िला कसूर से सबसे पहले मेरी गिरफ्तारी। मोहम्मद तारिक मेरा नाम है और इंशाल्लाह बहुत जल्द खान साहब रिहा होगा और उनसे मेरी मुलाकात भी है। और मैं कहता हूँ कि PP 175 से सरदार राशिद तुफैल MP हो चुके हैं और इंशाल्लाह NA 132 से सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर MN मुंतखब हो चुके हैं। पाकिस्तान, इमरान खान, कौन बचाएगा पाकिस्तान? आई 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 इमरान खान, पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। जी आप बताएं, इस तरफ आ जाए, अच्छा आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पर आप एक इलेक्शन कंपेन के सिलसिले में आए हैं या इमरान खान से इजारे यकजहती के लिए आए हैं? अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, इयाका नाबुदु व इयाका नस्तईन। जी मैं अपने लीडर इमरान खान की आवाज़ पर उनके कैंडिडेट को सपोर्ट करने के लिए और उनकी रैली में शामिल होने के लिए यहाँ पर आया हूँ। लेकिन यहाँ पर हमारे हल्के का जो MNA और MP है गुंडागर्दी करते हैं। ये जो कहते थे कि जलसा नहीं हो रहा, अब इनके बाप में अगर हिम्मत है, जुर्रत है तो रोक कर दिखाएं, ये जलसा हो रहा है। देखे अवाम, ये अपने आप को समझते क्या है? इनके बाप का मुल्क है, ये हम सबका मुल्क है। ये लोग अपने आप को समझते क्या है? ये सबका मुल्क है हमारा। ये समझते हैं कि हमारा, हमारी जगीर है, लूटने के लिए हमारे मुल्क को आ जाते हैं। इन्होंने हमारा मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, गरीब का जीना मुहाल कर दिया। इन ऊपर से वो मरियम नानी हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी गई है। वो मेरे मुकाबले में, मेरे गांव में काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ सकती मेरे सामने, हार जाएगी। आप भाई क्या बता कहना चाहेंगे? हमें पाकिस्तान की बेहतरी की खातर, अपने बच्चों के अच्छे फ्यूचर की खातिर कैदी नंबर 804 का साथ देना होगा। इमरान खान हमारी खातर जेल में है। इमरान खान का कसूर क्या है? इमरान खान ने इस कौम की खातिर तकलीफ काट रहा है। हमें यही सोचना होगा, जिसके भी सरदार मोहम्मद साहब हुसैन डोगर साहब के साथ इख्तलाफात हैं, अपने तमाम इख्तलाफात बुलाकर हमें इमरान खान को सपोर्ट करना होगा। इमरान खान की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है। अगर खान कामयाब होगा तो मेरा मुल्क दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा।